गाइस, आई एम शुभम राघव फ्रॉम फैब डेकोर इंटीरियर्स। वेलकम टू अवर न्यू वीडियो अबाउट ऑफिस इंटीरियर डिजाइन। बेसिकली ये ऑफिस जो है मोहन स्ट्रीट न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, जो कि 6,500 स्क्वायर फुट एरिया में बना है। और हमें ये पूरा एक रॉ स्पेस मिला था जिसमें हमने सारा कुछ डिज़ाइन करा है। और इससे रिलेटेड मैं कुछ बताना चाहूँगी। रिसेप्शन से अगर मैं शुरुआत करता हूँ तो हमने रिसेप्शन एरिया में एंट्री के साथ जैसे है कि एक हमने अपनी क्लाइंट का जो लोगो है निविजन ई निविजन वो हमने लेकर्ड पे डिज़ाइन करवाया है। और उसके बेस बैकग्राउंड में वॉलपेपर का बैकग्राउंड लिया है, प्लस रिसेप्शन टेबल है जो कि एक ग्रे येलो थीम को लेके हमने पूरा बैलेंस करते हुए डिज़ाइन करा हुआ है। सीलिंग की अगर बात करते हैं तो हमने सीलिंग में पीओपी फॉल सीलिंग करी है विद एल्युमिनियम प्रोफाइल लाइट्स। आप जैसे देख सकते हैं ये हमारी टीम ने डिज़ाइन करा है और ये इस तरीके से हमने एग्जीक्यूट करा है साइट पे। नाउ एंट्रिंग इन अ मेन ऑफिस एरिया, आइए चलिए मैं बताता हूँ इनर ऑफिस स्पेस के बारे में। जैसे कि सेंटर के पार्ट को हमने 1800 स्क्वायर फुट एरिया लिया है जिसमें 9 क्यूबिकल्स और 24 वर्क स्टेशंस को सेट करा गया है। प्लस आउटर एरिया में जितने भी ये केबिन्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये 20 केबिन्स हैं जो कि डिफरेंट है, जैसे कि लाउंज है, डायरेक्टर्स केबिन है, डाइनिंग एरिया है और CFO रूम है। आइए कुछ मैं आप सीलिंग के बारे में बताना चाहता हूँ डिटेल में। जैसे कि सीलिंग में हम लोगों ने ग्रिड टाइल्स लगाई है 2x2 की और उसके साथ हमने कुछ 2x2 के सीलिंग लाइट्स पैनल को इंस्टॉल करा है। साथ में ही कैसेट यूनिट लगाए हुए हैं जो कि हमारा पूरा VRV बेस्ड सिस्टम है और डक्टिंग हुई है यहाँ पे, जैसे ये आप देख रहे हैं। बेसिकली ये वर्क स्टेशन एरिया है जहाँ पे हमने लकड़ का पार्टीशन दिया हुआ है और पर्टिकुलर सिटिंग पे हमने ये कॉम्पैक्ट स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। वर्क स्टेशन के पास हमने एक फाइल स्टोरेज स्पेस भी दिया हुआ है। आइए कुछ क्यूबिकल स्पेस के बारे में बताते हैं। ये 9x9 एरिया है और साथ के साथ ये नॉर्मली सिटिंग स्पेस है, प्लस साथ में ही इसके स्टोरेज स्पेस भी दिया हुआ है। आइए हम चलते हैं डायरेक्टर केबिन में जो कि 180 स्क्वायर फुट एरिया में डिज़ाइन करा है। इसकी फ्लोरिंग जो है वो वुडन फ्लोरिंग है और ये डायरेक्टर टेबल है और ये सिटिंग स्पेस है डायरेक्टर का। उनके साथ फाइल स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। ये जो जिप्सम पार्टीशन है इस पर हमने डिसेंट सा वॉलपेपर लगाया है। साथ में ये एक राइटिंग लेकर दिया हुआ है कुछ भी लिखने के लिए। अगर हम सीलिंग की बात करते हैं तो सीलिंग में हमारा साइड में कॉब लाइट है, प्लस मल्टीपल लाइट्स लगी हुई हैं और सेंटर में भी हमने एक लाइट को डिज़ाइन करा है। नाउ लेट्स एंटर इन अ सेकंड डायरेक्टर रूम जो कि 170 स्क्वायर फुट एरिया है इसका। और इनके वॉल पे जो काम हुआ है ये एकॉस्टिक पैनलिंग हुई है डिफरेंट डिज़ाइंस इसका। पहले हमने 2D और 3D इमेजेस बनाए थे, उसके बाद ये डिज़ाइन करा है पूरी वॉल पे। साथ में ही इसके वॉल में वॉलपेपर को यूज़ करा है। प्लस सिटिंग स्पेस की बात करें तो सेम सिटिंग स्पेस है और इसके साथ में सेम स्टोरेज है, प्लस लेकर्ड है यहाँ पे। आइए चलते हैं हम ऑफिस के सबसे अट्रैक्टिव पार्ट पे जो कि लाउंज एरिया है। 145 स्क्वायर फुट एरिया में सेम इसकी जो फ्लोरिंग है वो वुडन फ्लोरिंग है। और सबसे अट्रैक्टिव पार्ट ये है जो हेक्सागन है, लेकर्ड ग्लास में हेक्सागन है विद ग्रे फिनिश वॉल पेंट। आते हैं हम लाउंज के सेंटर पार्ट में जहाँ पे हमने टीवी पैनल को सेट करा है। साथ के साथ ये 43 इंच टीवी के लिए सुटेबल है और इसका जो लैमिनेट फिनिश है वो सेम हमारा राफ्टर की फिनिश से मैच कर रहा है। और जो ये इसमें स्टोरेज है वो नीचे हमने मल्टीपल ड्रॉर्स दी हुई हैं। लेट्स कम इन अ बोर्ड रूम एरिया। बेसिकली बोर्ड रूम एरिया की बात करते हैं तो 340 स्क्वायर फुट एरिया में बोर्ड रूम को हमने डिज़ाइन कराया जिसमें 14 पीपल की सिटिंग्स है। अगर वॉल की बात करते हैं तो वॉल के अंदर हमने MDF फिनिश दिया है जो कि ग्रे टोन में है, प्लस SS स्ट्रिपिंग्स दी हुई हैं। साथ के साथ इसकी सेम स्टोरेज को भी हमने जो डिज़ाइन कराया है वो इसी के साथ कराया है। 65 इंच का जो TV लगाया है हमने, सेंट्रल लाइन करके लगाया है,
पूरी वॉल पे, प्लस 3x3 के इसमें लेकर्स है फॉर राइटिंग पर्पस मीटिंग्स में। और साथ के साथ सीलिंग्स की अगर बात करें तो हमने सीलिंग के अंदर बहुत ही अच्छा प्लस माइनस का डिज़ाइन दिया है। सेंटर में जो COB है वो हमारी सीधा टेबल के ऊपर फोकस कर रही है। साथ के साथ अगर सामने की तरफ वॉल की तरफ बात करें, एंट्रेंस के जस्ट साइड में जो हमारी वॉल है इसके अंदर हमने एक कस्टमाइज वॉलपेपर दिया है। वॉलपेपर के बाद अगर हम बात करें तो मैंने कहीं भी नहीं बताया है कि हमने विंडोज़ को हाइड कैसे करा है। विंडोज़ पे हमने ब्लाइंड्स का यूज़ करा है, रोलर ब्लाइंड्स लगे हुए हैं सारे, ये इस तरीके से सभी में इसी तरीके से रोलर ब्लाइंड का यूज़ करा हुआ है। इसमें अगर AC सिस्टम की बात करें तो हमने ये डक्टिंग करी हुई है यहाँ पे, और ये ग्रिल्स दिख रही हैं डक्ट की, और इसकी मशीन हमने बाहर आउटर एरिया में लगाई हुई है। आइए चलते हैं हम सबसे अट्रैक्टिव पार्ट में ऑफिस के, हमारा मंदिर एरिया। मंदिर एरिया की अगर बात करते हैं तो मंदिर एरिया में हमने ये पिलर्स दिए हैं जो कि CNC डिज़ाइंस के साथ बने हुए हैं। इसकी लेज़र कटिंग करा के इसमें लाइट पास लगाया हुआ है, प्लस आप देख रहे होंगे ये मेहराब हमने बनाया हुआ है, सेंटर में मेहराब है। और इसके साथ के साथ हमारा ये अंदर की तरफ एक कैबिनेट है मंदिर के नीचे, उसके ऊपर हमने मूर्ति को सेट कराया है। जो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वर्क देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। अगर आप हमसे कोई भी इंटीरियर कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क कराना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। थैंक यू सो मच।